जरूरत नहीं। अरे बेटा अचानक यहाँ आपसे मिलने का दिल हुआ तो आ गई। अंदर बैठो ना। तुम मेरे पास बैठो। हाय, बात ये है आंटी, आप लोग मेरे घर आए मुझे देखने के लिए और मैं आपको पसंद भी आ गई और आपने कहा कि मैं आपके घर की बहू बनूंगी। आई एम रियली वेरी हैप्पी आंटी। कार्तिक इज ऑल्सो गुड, स्मार्ट, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, सब कुछ है। पर बचपन से वो क्या है ना कि मेरा एक सपना रहा आंटी कि मेरा पति कैसा होना चाहिए। उसकी बिल्कुल ऐसी दाढ़ी होनी चाहिए और शर्ट का बटन खुला होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही आंटी। और दिखने में भी ना बहुत सिंपल सा, कोई हीरो टाइप नहीं चाहिए। और बाहर की पर्सनालिटी कड़क पर अंदर से बिल्कुल नरम, वो जैसे कटहल का फल होता है ना जिसके बाहर से कांटे निकले होते हैं पर अंदर से बहुत ही नरम और मीठा होता है। आप समझ रही है ना? मैं समझ गई कि तुम्हें कोई लुक्खा चाहिए। अगर ऐसा है तो इससे शादी क्यों नहीं कर लेती? करेक्ट, तुम तो समझ गई लेकिन आंटी को शायद समझ में। समझ गई बेटा, अच्छी तरह समझ गई। यही मेरा जीवन साथी है। क्या बात कर रही? मुझे इसी के साथ जिंदगी बितानी है।